अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुवेरिया। आज आपके सामने एक नई रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूं। तो आज हम बनाने वाले हैं जैगरी से बहुत ही टेस्टी बनने वाली बर्फ़ी। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने नारियल को ग्रेट कर लिया है, आप चाहे तो ग्राइंड भी कर सकते हैं। मैंने ग्रेट करके थोड़ा सा भी पानी ऐड नहीं किया है। अगर आप इसमें फ्रेश कोकोनट ग्रेट कर रहे हैं तो जितना भी इसमें वाटर निकलता है उसको अच्छे से निचोड़ लीजिए। तो हम इसमें 3 कप ग्रेटेड कोकोनट लेंगे। इसके बाद हम जैगरी को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे 2 कप जैगरी का इस्तेमाल करूँगी। अगर आप थोड़ा ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो एक्स्ट्रा जैगरी ऐड कर लीजिए। इसके बाद हम 3/4 कप वाटर ऐड करके जैगरी को मेल्ट होने देंगे। मीडियम फ्लेम पे ही कुक करना है, मीडियम लो फ्लेम पर ही कुक करें। बहुत ही टेस्टी बनती है हमारी मिठाई। जैगरी मेल्ट हो जाने के बाद हम इस सिरप को छान लेंगे। फिर से हम कढ़ाई में इस सिरप को डाल के अच्छे से एक चाशनी तैयार करेंगे। ये तार वाली हमको चाशनी चाहिए। हमारी चाशनी हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो हमको ज़्यादा गोल्डन ब्राउन हो जाएगी हमारी चाशनी, इसीलिए हम मीडियम फ्लेम पर ही इसको कुक करेंगे। 6 to 7 मिनट्स के बाद हमारी चाशनी चेक कर लेते हैं। तो देखिए अच्छे से थिक कंसिस्टेंसी हो गई है। चेक करते हैं, एक तार वाली चाशनी हमको चाहिए। तो देखिए हमारी चाशनी बनके तैयार हो गई है। इस तरह चेक करके गैस को फ्लेम बिल्कुल लो रखकर हम ग्रेटेड कोकोनट ऐड कर देंगे। मीडियम फ्लेम करके अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। 6 to 7 मिनट्स के लिए कुक करेंगे। लो टू मीडियम करके गैस का फ्लेम हाई नहीं रखना है। जैगरी और कोकोनट का जितना भी एक्स्ट्रा वाटर होगा अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाने तक हम इसको कुक करेंगे। इसके बाद ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून घी। आप चाहे तो यहाँ पे इलायची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। हम शुगर से भी नारियल की बर्फ़ी बना सकते हैं, पर ये जो गुड़ से बनी हुई बर्फ़ी आप ये एक बार खाएंगे तो बार बार बनाने लगेंगे। खाने में बहुत ही लाजवाब होती है ये, आप एक बार ज़रूर ट्राई तो कीजिए। तो देखिए जितना भी एक्स्ट्रा वाटर था अच्छे से अब्जॉर्ब हो गया है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ करके किसी दूसरे ट्रे या प्लेट में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। मैंने घी अप्लाई करके रखा हुआ है, इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा टेप करके फिक्स कर लेंगे। बहुत जल्द ये थिक हो जाती है, इसीलिए हम थोड़ी ही देर में कट लगा देंगे। इसके बाद हम पीसेस करके सर्व कर लेंगे। सिर्फ 2 ही चीज़ों से हम इतनी मज़ेदार बर्फ़ी घर पर बना सकते हैं। बहुत इजी से बन जाती है ये, बिगड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जो मेजर से मैंने इस बर्फ़ी को बनाया है इसी मेजरिंग से आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ एक नई रेसिपी लेकर, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।